नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुजी। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैं आपको मैरिज के रिगार्डिंग जानकारियां दे रहा हूं, जिसमें आज का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब लगातार मैरिज में डिले होता रहता है तो दो गलती आप बहुत बड़ी ऐसी करते हैं कि इन गलतियों की वजह से मैरिज में और भी ज्यादा डिले होता रहता है, लेकिन सफलता मिलती नहीं है। ये दो गलतियां बड़ी खतरनाक होती है, आप ध्यान से समझें इसको, और ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा यदि मैं कुंडलियां रिसर्च करता हूं और कुंडलियां देखता हूं, तो मैरिज के रिगार्डिंग ही देखता हूं, तो अनुभव में जैसे मैं लोगों से बात करता हूं तो वो क्या गलतियां करते हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए उनसे अनुरोध है, यदि इस प्रकार की जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरु जी को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिये, सबसे पहली बड़ी गलती क्या करते हैं आप, जैसे ही 24-25 वर्ष की एज, जैसे ही 24-25 वर्ष प्लस होने लगते हैं, एक मानवीय स्वभाव है, स्वाभाविक ये गुण होता है, माता पिता को टेंशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी टेंशन धीरे धीरे करके इतनी बढ़ने लगती है कि आप 24 आवर्स बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और ये जो एनर्जी है वो धीरे धीरे बच्चे में भी ट्रांसफर होने लगती है, वो भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगता है, पता नहीं होगी नहीं होगी कैसे। तो हमेशा अपने आपके मैरिज वाले पार्ट को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नजरिए से देखने लगते हो आप, बहुत ज्यादा आपके घर का जो एनवायरमेंट है वो नेगेटिव होने लगता है, तनावपूर्ण होने लगता है। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी को उस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है, उस प्रकार के सेल्स रिलीज करती है जो आंखों से बुद्धि बल से देखने पर पे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, लेकिन वो प्रभाव एयर में आने लगता है, आपका जो ओरा होता है उसी तरीके से विकसित होता है। इस कंडीशन के अंतर्गत जब मैरिज की कहीं बात भी चलती है तो ये प्रभाव आपकी वाणी में आने लगता है, जब अगले पक्ष से आप बातचीत करते हैं तो आपके व्यवहार में वो नेगेटिव प्रभाव आने लगता है। तो उसकी वजह से आपका जो एक इंप्रेशन जाना चाहिए, आपका एक जो सकारात्मक मैसेज अगले व्यक्ति तक जाना चाहिए ना, वो नहीं जा पाता है। तो ध्यान रहे, कभी भी बहुत ज्यादा दीनहीन और नेगेटिव कभी नहीं सोचना इस पार्ट को लेकर के। कुछ लोग इतना सोचते हैं कि रात भर उनको नींद ही नहीं आती है, इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो। तो सबसे पहले तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप कंसल्ट करिए, जब टाइम पीरियड प्रॉपर आ रहा है मैरिज का उसी समय मैरिज होनी है, आपके टेंशन चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बहुत बड़ी गलती आप क्या करते हैं, जैसे ही मैरिज के लिए कहीं वार्ता चलती है और अगला पक्ष यदि आपको घर पे आके जाता है, बातचीत करके जाता है, तो आप जैसे वो बोल के जाता है कि चलिए विचार करते हैं, तो आप बिल्कुल भी वेट करना पसंद नहीं करते हैं, आप दूसरे तीसरे दिन से ही कॉल पे कॉल उनको करने लग जाते हैं, मैसेज पे मैसेज उनको करने लग जाते हैं। तो एक मानवीय स्वभाव है, एक ये जो सिस्टम है हमारे मस्तिष्क का, वो कहीं ना कहीं क्रैश होने लगता है उस कंडीशन के अंदर। तो आपको कभी भी अगले व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए, उसी की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। यदि उसके आपसे मुलाकात होने पर यदि उसको पॉजिटिव फील हुआ है, अच्छा फील हुआ है, तो जरूर वो खुद आपको कॉल करेगा। और कॉल करना भी है तो थोड़ा सा अंतराल में करें, एक बार बात हो गई। कुछ लोग बार बार कॉल करते रहेंगे, मैसेज उनको करते रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि काम बनेगा तो भी नहीं बन सकता, वो बिगड़ जाता है। तो एक तो कारण क्या है ना, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल, दोनों समय योग प्राणायाम मेडिटेशन करें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरु जी पर जाके देखेंगे, इतने अच्छे अच्छे मैंने प्रयोग विधि और उपाय बताई हैं, मंत्र विधियां बताई है, उनसे सकारात्मक एनर्जी जनरेट भी होती है और जल्दी से जल्दी मैरिज का संयोग भी बन जाता है। वो विधि रेगुलर करिए और सकारात्मक रहें, ज्यादा दीनहीन भावनाओं से अपने आप को ग्रसित ना करें इस पार्ट को लेकर के, क्योंकि नेगेटिविटी आपको हर तरीके से फिर परेशान करेगी, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ कर देगी, आपकी चिंतन शैली इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी कि फिर आपको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगेगा। तो आप प्लीज एक तो नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद करें, और रिश्ते की जैसे ही वार्ता चलती है तो आप बार बार कॉल मैसेज कभी भी ना करें, इससे काम होता हुआ भी बिगड़ जाता है। और ज्यादा डिले हो रहा है तो किसी अच्छे देवज्ञ एस्ट्रोलॉजर को नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस के साथ कंसल्ट करना चाहिए, जो भी उसका परामर्श शुल्क होता है वो आपको पे करके उससे परामर्श लेना चाहिए, क्या कुंडली में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका प्रॉपर सही निदान क्या है, वो निदान करते हुए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है।
नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं मैरिज के रिगार्डिंग। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना सिद्धि हो, शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग बन जाए। आज की वीडियो में इतने ही हैं, ये विशेष दो मैसेज मेरे को आपको देने थे, इस पर आप जरूर ध्यान दें और इस पर अभ्यास करें पॉजिटिव रहने का, तो निश्चित रूप से मन के अनुकूल कार्य सिद्धि का जल्दी ही संयोग बनेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।